Good morning, my dear student. How are you today? I hope you all are fine at home. Welcome back to science class. Yesterday, we learned the remaining part of this lesson, blowing hot and blowing cold. Today, we will learn activity time step by step. Okay, first of all, you take your pencil in your hand and write C.W. Date 3/12/20 day Thursday. Okay, done. Okay, student. Okay, activity 1. Stick out the wrong word to complete this sentence. हमें क्या करना है, गलत वर्ड को हटा देना है और सेंटेंस को सही बनाना है. हमें क्या करना है, गलत वर्ड को हटा देना है और सेंटेंस को सही बनाना है. क्वेश्चन नंबर 1. द होल प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड इंस्पिरेशन रेस्पिरेशन. इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन, जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है, उस प्रोसेस को इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन कहा जाता है. यस, रेस्पिरेशन. इंस्पिरेशन को क्या करेंगे हम, स्टिक रॉन्ग. देन क्वेश्चन नंबर, रीड द सेंटेंस करेक्टली. द होल प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. Again, read the sentence. The whole process of breathing in oxygen and breathing out carbon dioxide is called respiration. This is the correct sentence. Then, question number 2. The heart beat approximately 10,001 lakh time a day. I repeat the sentence. The heart beat approximately 10,001 lakh times a day. जो हमारी हार्ट बीट होती है वो कम से, मतलब मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा 10,000 या 1,00,000 टाइम दिन में होती है. यस, 10,00,000, इट इज करेक्ट आंसर. ओके, रीड द सेंटेंस. द हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली 10,000 टाइम अ डे. अगेन रीड द सेंटेंस. द हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली 10,000 टाइम अ day. Okay, then question number 3. Air sacs are covered with a network of tube that carry blood air. जो air sacs covered होती है, जिसका network होता है tubes का, वो blood को, air को carry करती है. I repeat the sentence. Air sacs are covered with a network of tube that carry blood air. Air, blood को cross करेंगे. Read the sentence. Air sacs are covered with a network of tube that carry air. Okay, then question number 4. Fire need oxygen carbon dioxide to burn. Fire needs oxygen carbon dioxide to burn. आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है. यस, ऑक्सीजन की. कार्बन डाइऑक्साइड को क्रॉस करेंगे. द फायर नीड ऑक्सीजन टू बर्न. हम एक बार चारों सेंटेंस को दोबारा रीड करेंगे. द होल प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. द हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली 10,000 टाइम्स अ डे. एयर सैक्स आर कवर्ड विद अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब दैट कैरी एयर. Fire needs oxygen to burn. Then question number 2. Fill in the blanks with the correct word from the list. The rib cage is made up of, yes, bones. Write down here, B-O-N-E, yes, bones. Our lungs are connected to the nose through the, yes, windpipe. Okay. We breathe in air throughout our nose. Okay,
वी ब्लो ऑन समथिंग हॉट टू कूल। हम किसी चीज को ठंडा करने के किसी गर्म चीज को ठंडा करने के लिए उसमें फूंक मारते हैं। ऑक्सीजन हेल्प द फायर टू बर्न। अब हम क्या करेंगे, सारे सेंटेंस एक साथ रीड करेंगे। ओके, द रिब केज इज मेड अप ऑफ बोन्स। द रिब केज इज मेड अप ऑफ बोन्स। अवर लंग्स आर कनेक्टेड टू द नोज थ्रू द विंड पाइप। अवर लंग्स आर कनेक्टेड टू द नोज थ्रू द विंड पाइप। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू अवर नोज। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू अवर नोज। हम अपने नाक से श्वास लेते हैं। वी ब्लो ऑन समथिंग हॉट टू कूल इट। हम किसी चीज को ठंडा करने के लिए उसे फूंक मारकर ठंडा करते हैं। ऑक्सीजन हेल्प द फायर टू बर्न। ओके, पेज नंबर 31 हो गया। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 32। टर्न द पेज, राइट डाउन सी डॉट डब्ल्यू एंड हियर इज एच डॉट डब्ल्यू, राइट इन कॉपी। स्टूडेंट्स, आपको कॉपी में लिखना कंपलसरी है, बिकॉज आपके लिए एक सरप्राइज है। ओके, सरप्राइज में आपको बाद में दूंगी। तो आपको क्या करना है, ये सारी एक्सरसाइज दिवाली के बाद के सारे लेसन की एक्सरसाइज मुझे डेट वाइज कॉपी में चाहिए। ये आपका वर्क रहेगा। ओके, ओके। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। रेस्पिरेशन डज नॉट नीड लंग्स। रेस्पिरेशन में लंग्स की जरूरत नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि विदाउट लंग्स हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं। आपको बताया, अगर लंग्स नहीं रहेंगे तो हम रेस्पिरेशन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर लंग्स खराब हो जाते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि लंग्स के द्वारा ही हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं स्टूडेंट। इसलिए रेस्पिरेशन डज नॉट नीड लंग्स। ट्रू और फॉल्स, रेस्पिरेशन में लंग्स की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या आएगा, फॉल्स। देन सेकंड, अवर हार्ट बीट फास्टर व्हेन वी रन। अवर हार्ट बीट्स फास्टर व्हेन वी रन। हमारे हार्ट बीट बढ़ जाते हैं जब हम दौड़ लगाते हैं या दौड़ते हैं। इट इज ट्रू। ओके, लंग्स आर कनेक्टेड टू द नोज। लंग्स आर कनेक्टेड टू द नोज। यस और नो? नो। लंग्स आर कनेक्टेड टू विंड पाइप एंड विंड पाइप कनेक्टेड टू नोज। तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि लंग्स डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं क्या नोज से? नहीं। वी इनहेल एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। इट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, ड्रॉ लाइन टू मैच करेक्टली एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सी ब्लोइंग और हॉट फूड, ब्लोइंग कोल्ड, डी हार्ट, बी पंप्स ब्लड। इनहेलेशन एंड एक्सहेलिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग रेस्पिरेशन, ए। आपको चारों एक्टिविटी कॉपी के अंदर करना है। डेट 3/12/20 इस दिन में आपका होमवर्क मुझे कॉपी में दिखना चाहिए। ओके, मैं आपकी कॉपी कभी भी चेकिंग के लिए मंगा सकती हूँ। इसलिए आपका होमवर्क कॉपी में 3/12/20 इस डेट पर ही मुझे चारों एक्टिविटी की होमवर्क आपकी कॉपी में दिखना चाहिए। एस डॉट डब्ल्यू, राइट इन कॉपी। ओके, जो आंसर क्वेश्चंस है मैं आपको इसकी पीडीएफ इस वीडियो के बाद सेंड करूंगी। ओके स्टूडेंट, सी यू सून, बाय बाय।